हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, असम का ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन पोर्टल का जो कि लॉगिन प्रॉब्लम है वो इतना सारा मुझे कमेंट आ रहा है। तो गाइस, मैं आज आप लोग को मेरा किस तरीके से लॉगिन होता है, मैंने क्या किया है, तो वही मैं आप लोग को आज दिखाने वाला हूँ। तो ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन पोर्टल में देखिए गाइस, अगर आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके करोगे तो देखिए गाइस वहाँ में लॉगिन नहीं होता है। दिस साइट कांट प्रोवाइड ए सिक्योर कनेक्शन और अनसपोर्टेड प्रोटोकॉल, ये आता है गूगल क्रोम ब्राउजर में। देखिए गाइस, गूगल क्रोम ब्राउजर का भी मैंने सेटिंग ऑलरेडी उसको रीड कर चुका हूँ और किस तरीके से सेटिंग करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बट आप लोग फायरफॉक्स ब्राउजर से भी इजीली आप लोग कर सकते हो। तो देखिए गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर में मैंने किस तरीके से सेटिंग किया है ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन पोर्टल का, किस तरीके से सेटिंग किया है वो मैं आज दिखाऊंगा और किस तरीके से मेरा लॉगिन होता है, मैंने वैसा क्या किया है, तो वो मैं आज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। बट बहुत सारा कॉमेंट आने की वजह से मैं आज ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरा जो भी है मैं आप लोग को दिखा दूंगा और आप लोग वैसे ही करिए तो आपका भी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए गाइस, अगर आपका ई डिस्ट्रिक्ट असम का ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन नहीं हो रहा है तो गाइस कैसे आप लोग लॉगिन कर सकते हो, तो देखिएगा सबसे पहले मैं वही दिखाऊंगा पहले आपको। तो सिंपली मैं फाइनली देखिए गाइस, वेलकम टू असम ऑनलाइन सर्विस। तो यह मैं आपको ईमेल एड्रेस और यूजर नेम स्क्रीन नेम देना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो अगर आपका ये लॉगिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो और लॉगिन नहीं हो रहा है तो इस तरीके से देखिए गाइस, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरीके से लॉगिन नहीं हो रहा है तो देख सकते हो गाइस। अगर आपका इस तरीके से लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप किस मैंने किस तरीके से सेटिंग किया है मैं वही आप लोग को दिखाऊँगा। अभी देखिए गाइस, बहुत सारा कॉमेंट यही आ रहा है तो मैं आपको मेरा ही सेटिंग दिखाऊँगा जो कि आप भी करिए, आपका भी हो जाएगा। देखिए गाइस, गारंटी है मेरा। तो मैंने किस तरीके से सेटिंग किया है मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फायरफॉक्स में आना है और फायरफॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ में सिंपली देखिए गाइस, यहाँ में सर्च विद गूगल इंटर एड्रेस ऊपर में आप लोग देख सकते हो, यह में आपको क्या लिखना है अबाउट। देखिए गाइस, मैंने किस तरीके से सेटिंग किया है आप लोग देखते रहिए। देखिए गाइस, यहाँ में आपको सिंपली टाइप कर देना है अबाउट, abut अबाउट कॉलन और कन्फिक, अबाउट कॉलन और कन्फिक। तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो अबाउट कॉलन और कन्फिक लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च कर देने के साथ देखिए गाइस, प्रोसीड विथ कॉशन बोल के है तो यहाँ में एक्सेप्ट द रिक्स एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस, यहाँ पर क्या करना है, सिक्योरिटी TLS, तो सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिक्योरिटी TLS, security.tls.version.min, तो ये लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ में security TLS.version.min, तो यहाँ में मैंने 1 और यहाँ में देखिए गाइस नीचे में 3 है, तो गाइस मेरा अभी 1 है, ऊपर में आपको 1 रखना है, तो यही है मेन। और देखिए गाइस, सिंपली आपको क्या करना है यहाँ में, ये अगर आपका 2 या 4 या 3 या 5 अगर कोई भी है TLS वर्जन तो आपको यहाँ में सिंपली 1 कर देना है। तो यही है मेरा एक सेटिंग जो कि मैं इजीली लॉगिन हो रहा हूँ मेरा ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन पोर्टल पर असम का, और वहीं से मैं बहुत सारा सर्टिफिकेट बनाता हूँ। तो देखिए गाइस, यही है 1 मैंने दे के रखा है, और उसके बाद देखिए गाइस, अगर आपका यहाँ में 2, 3, 4 कुछ भी आ रहा है तो आपको सिंपली ये पेंसिल बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ में आपको 4, 5 इस तरीके से आया है तो आपको सिंपली 1 दे देना है, और उसके बाद यहाँ में राइट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हो। तो यही एक सेटिंग है, अदरवाइज और कोई भी सेटिंग मैंने नहीं किया है, और इसीलिए मेरा जो कि ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन पर सिंपली इस तरीके से खोलता है। देखिए गाइस, ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन, एडवांस सेटिंग है वही, तो सिंपली देखिए गाइस, ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन edistrict.mtron.in। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था इसलिए मैं आज आप लोग को, 2 बार हो गया गाइस, मैं एक बार ऑलरेडी बताया था किस तरीके से करना है, कहां से जाना है, आज मैंने आपको फिर से एक बार दिखा दिया। आई होप गाइस आप लोग को ये समझ में आएगा। देखिए गाइस, अभी ई गवर्नेंस सर्विस पर सिंपली क्लिक कर देने के बाद
आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, अभी आप लोग इजीली लॉगिन कर सकते हो। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। चलो गाइस जय हिंद जय भारत।